राज्य पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चुटिया थाना क्षेत्र से आर्मी बहाली के नाम पर फर्जीवाड़े के आरोपी पंकज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर पंकज की गिरफ्तारी हुई है। पंकज पर आर्मी बहाली के नाम पर 25 युवकों से पैसे लेने का आरोप है। पुलिस ने उसके पास से बहाली से जुड़े दस्तावेज और मुहर बरामद किया है। पहले भी इस मामले में चुटिया थाना क्षेत्र से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अगर बोले थे कि भाई अगर नौकरी नहीं होगा तो हम आपका डॉक्यूमेंट पैसा लौटा देंगे, माने 15 दिन लड़का सबको लेके माने मुजफ्फरपुर में भी ले गया तो बोला कि करना से हमारा बात हो गया है। हाँ तो बोल रहा था फिर भी करना से बात होगा तो फिर डेट दिया है तो डेट पर ले जाइए, हम लोग को ज्वाइन करा दीजिए। तो बोले कि नहीं जॉइनिंग लेटर आ गया है, माने आपके एडमिट कार्ड तो कर्नल, तो बोल के कर्नल का माँ मार गया है तो बोल रहा था फिर डेट दिया तो फिर कल कर्नल कल का माने मार डेट का तो काम किया अभी तक था, उसके बाद लड़का सबको सबको ले जाएंगे उसके बाद में जॉइनिंग करा देंगे। तो आप देखते देखते ठगते ठगते तो हम लोग एक साल घुमराह में डाल दिए। तो अब हम लोग सोचे कि अब इससे होने वाला नहीं है, जब भी हम लोग ये ठग रहे तो घुमराह के माने हम लोग में डाल रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बोला कि हम कैसे होगा ऐसे, तो बोला कि मेरा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, मेरा ऐसा है मेजर है कर्नल मेरा हाथ में है, हम नौकरी करा देंगे, तुम इतना पैसा जमा करो। बोला कि कितने पैसे दिए, कब दिए? हम दिए थे फरवरी 2019 में, फरवरी से लेकर मई तक स्टेप वाइज दिए, जैसा जैसा काम होगा। कितने कुल कितने पैसे? 2.5 लाख दिए, पर और डॉक्यूमेंट भी पहले जमा कर लिया। उसके बाद वो एग्जाम कराया फॉल्स में, फिर हर चीज ऐसे करते गए, एग्जाम भी मतलब सारी चीजें फर्जीवाड़ी तरीके से। हर चीज आपको कब पता चला कि ये सब चीजें हो रही? जैसे कि हम लोग को मेरा दोस्त सब जो भी है हकीकत जो सच निकाला वो चला गया और हम लोग यहाँ रह गए और बोला कि सर हम लोग तो वहाँ हम लोग का सब दोस्त सब चला गया और हम लोग का कब होगा? तो बोलता है कि वो हाँ तुम लोग का दूसरा लिस्ट में आएगा।